गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय अदर ब्लॉग गाइस। आज 7 तारीख है, जैसा कि आपको पता है कि आज विक्की भाई की शादी है। ये आए हुए हम लोग मैरिज होम में। ये लाला भाई, लाला भाई क्या देख रहे हो भैया? वीडियो देख रहे हैं, ब्लॉग। किसका ब्लॉग देख रहे हो? राहुल भाई का। कौन सा वाला? ये हल्दी वाला। अच्छा चलो सही है, देखते रहो गाइस। ये पूरा मैरिज होम है, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। ये विक्की भाई का पूरा मैरिज होम है। ये स्टेज है विक्की भाई की, जो विक्की भाई बैठेंगे रात को अपनी वाइफ के साथ जय माला के लिए। ये पूरा मैरिज होम है गाइस। सुबह हम लोग आए हुए हैं, थोड़ा काम वगैरह दिखवा ले, हलवाई लगा हुआ है आज तो, पूरा काम वगैरह चल रहा है गाइस। चलते हैं, मिलेंगे गाइस आगे आपसे। ये देखिए जीजू और हमारी दीदी आई हुई है शादी में। आज जीजा जी का बर्थडे है, इसलिए हम बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं शादी में जाने से पहले गाइस। ये हमारा लाला है। हेलो गाइस। टकलू टकलू हेलो कर दो। हेलो गाइस, ये हमारा भांजा आया हुआ है। हाँ भाई लाला, हेलो कर दियो। हेलो कर दो। हेलो हेलो कर दो यहाँ पे। हेलो लाला, हेलो कर दो भाई। हेलो कर दो। हेलो इधर देखो, इधर इधर। कौन है ये? कौन है? कौन है ये? डर रहा है ये मुझसे? हे फौजी भाई, ये देखिए पूरी मंडली है विक्की भाई की। और ये गाइस घोड़ी जिसपे विक्की भाई की अभी निकासी होगी, और काफी अच्छा बजा रहे हैं गाइस ये बैंड। ये देखिए बैंड मास्टर रहे हैं छोटे से हमारे, काफी अच्छे बैंड बजा रहे हैं गाइस। ये देखिए विक्की भाई कितने सीरियस होके बैठे हुए हैं अपनी बारोटी पे। विक्की भाई को बड़ा डर लग रहा है, भैया ये बार बार मुझसे कह रहे हैं तू मेरे साथ। ये देखिए हमारे भांजे राजा एकदम अपनी मर्सिडीज़ में बैठे हुए मस्त तरीके से गाइस। इनकी मर्सिडीज़ हर शादी में लेके जानी पड़ती है क्योंकि ये गोदी में आती नहीं है। ये हमारे दीदी जीजू खड़े हुए हैं, और बुआ जी हमारे
भांजी जी को खिला रहे हैं। ये बिक्की भाई की चल रही है जयमाला का पूरा प्रोग्राम, फोटो वगैरह हो रहे हैं गाइस। और हमारे भांजी राजा बैठे हैं। किट्टू दीदी है, किट्टू दीदी क्या बोल रही हो बताओ, किसकी शादी में आई हो? पूरा वो करो, पूरा डिस्क्राइब करो। गाइस जयमाला समाप्त हो चुकी है, हम सब लोग आ चुके हैं खाना खाने के लिए। ये पूरी हमारी फैमिली है और जो भाभी जी हमारी उनकी भी गाइस पूरी फैमिली बैठी हुई है ये सामने, बिक्की भाई और भाभी भाई। अब चलते गाइस खाना खाने। ये देखिए मैं आया हुआ हूँ अपने घर पे कपड़े चेंज करने के लिए। मैरिज होम से लगभग 1 किलोमीटर दूर है मेरा घर। अब भैया के फ़ोन आ रहे हैं गाइस, तो चलता हूँ मैं सीधे मैरिज होम। ये देखिए गाइस ये छोटा सा पिंपल हो गया है मेरे। अब चलता हूँ सीधे मैरिज होम क्योंकि भैया के बार बार फ़ोन आ रहे हैं। ओए टकले, अरे टकले कंजू, ओए कंजू रन देख ले भैया, क्या कह रहा है कंजू? ओए कंजे इधर देख, सामने देख टकले, शर्म सी लग रही है इसको देख के, देख। ये देखिए गाइस ये बिक्की भाई के पूरे फेरे का कार्यक्रम हो चुका है चालू। अभी गाइस चल रहा है कन्यादान, बिक्की भाई के पैर पूजे जा रहे हैं। तो मैं बिक्की की वीडियो बना रहा हूँ तो बड़ा देख के कसूर है मुझे। अभी हो चुके हैं गाइस रेडी दोनों फेरे लेने के लिए। तो गाइस पूरे फेरे हो रहे हैं लोगों के कम्प्लीट। गाइस देखिए ये हमारा दूल्हा जिसकी शादी थी आज, जिसके फेरे हो चुके हैं। ये उसका पूरा सूट अब पगड़ी रख गया है भाभी के पास, अब थोड़ा घूमने आया है। और विक्की भाई कैसे रही शादी, अच्छी रही? फेरे फेरे कैसे रहे, बढ़िया रहे? और कोई दिक्कत, मजा आएगी नहीं आया शादी में? कितना पूरा आया। गाइस अब सुबह हो चुकी है और पूरी शादी भी संपन्न हो चुकी है। अब ये लास्ट टाइम है गाइस बधाई का। जैसा कि आप देख पा रहे हो ताऊ जी पूरे मखाने और बतासे और पैसे गाइस कर रहे हैं गाड़ी के ऊपर। ये मतलब जो दूल्हे होता है उसके मामा या पिताजी या ताऊ जी जो भी बड़ा होता है घर का ये सब चीज़ करता है, क्योंकि हम लोगों की परंपरा होती है। ये है लड़की का भाई जो ढक्का ला रहा था अभी गाड़ी में। गाइस फाइनली अपने ब्लॉग को करते हैं गाइस समाप्त। अगर आपको हमारा ब्लॉग पसंद आया हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। गाइस ज़्यादा से ज़्यादा मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। और गाइस काफ़ी अच्छी रही भाई की शादी, मैंने आपको पूरे वीडियो के माध्यम से दिखाया सब चीज़। चलिए गाइस मिलते हैं आगे, बाय।